नमस्कार दोस्तों, आज हमारे डिस्कशन का फोकस रहेंगे स्टील स्टॉक्स, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जेएसडब्ल्यू स्टील। तो स्टील स्टॉक्स में इतनी राइस क्यों है, उसको उसके पीछे का कारण हम देखेंगे। साथ ही इन स्टॉक्स की इंडिविजुअल न्यूज को देखेंगे और इनके चार्ट के माध्यम से हम इनके फ्यूचर टारगेट्स को एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर हम एडवांस एनालिसिस के बाद कॉल्स देते हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया हो तो स्टील स्टॉक्स ने पिछले 2 महीनों में गजब की तेजी दिखाई है। दो महीने में डबल हो गई है स्टील के स्टॉक्स। तो इसके रीजन क्या है? इसका जो मेजर रीजन ये है कि मंडे को जैसे कि स्टील स्टॉक्स की रैली हमारी कंटिन्यू होती रही और आज थर्सडे आ गया है और आज भी ये पूरी तरह से कंटिन्यू है। तो इसका रीजन मेन रीजन ये है कि प्राइस हाइक हुई है स्टील की काफी मेजर, और ये हो रहा है कि फिर से प्राइस हाइक हो सकती है, क्योंकि अभी भी जो हमारी प्राइसेस है स्टील की वो काफी डिस्काउंटेड रेट पे है इंटरनेशनल रेट्स के कंपैरिजन में। तो इसी वजह से ये रीजन है कि स्टील स्टॉक्स में बहुत बम्पर राइज मिली है हमें, और काफी अच्छी चांसेस है कि ये राइज हमें अभी 1 या 2 महीने और दिखे। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है स्टील स्टॉक्स में घुसने की, अगर आप ऑलरेडी नहीं घुसे हैं। छोटे से स्टॉप लॉस मेरा सजेशन रहेगा, छोटे से स्टॉप लॉस के संग घुसिएगा, क्योंकि अभी इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी हमारे फेवर में है। तो मार्केट ने अगर साथ दिया तो हो सकता है हमें अगले एक महीने में 20-25% की हाइक आराम से और देखने मिल जाए स्टील स्टॉक्स में। साथ ही दोस्तों, इसके साथ के मेटल स्टॉक्स है हिंडाल्को, वेदांता, एनएमडीसी, इन सब में भी बहुत अच्छी राइज मिली है, बट आज का हमारा फोकस मेनली स्टील स्टॉक्स रहेंगे। तो दोस्तों, कुछ मैं आपको अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करूं तो जेएसडब्ल्यू ने 15 दिसंबर को की न्यूज आई थी कि इन्होंने $250 मिलियन रेस किए हैं बॉन्ड सेल करके। टाटा स्टील ने अपना थोड़ा प्रोसेसिंग आर्म्स को TSWPL को थोड़ी सी स्टेक बेची थी, और वो अपने इंडिया की जो उनकी फुटप्रिंट है उसको अलग अलग तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, ये भी अच्छा मूव था। 1 जनवरी को JSPL की शेयर प्राइस बढ़ी थी, उन्होंने कुछ एक ऑक्शन जीता था किसी माइन का। तो साथ ही स्टील स्टॉक्स के अलावा भी, स्टील स्टॉक्स में जो जनरल पॉजिटिविटी है उसके अलावा भी ये तीनों कंपनीज काफी अच्छा कर रही है। अगर दोस्तों मैं प्राइस डेटा की बात करूं तो सभी ने अपने 52 वीक लो से तो बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है, बट इसमें जो खास नोटिस करने वाली बात रहेगी जो हम अभी चार्ट्स में देखेंगे कि पिछले दो महीनों में इनकी राइस कुछ ज्यादा ही गजब की रही है, और सब अभी अपने 52 वीक हाई के आसपास टहल रहे हैं। तो अगर मैं दोस्तों थोड़ा सा देखूं कि इंडिया में आयरन और स्टील में कौन सी सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसमें नाम आता है जेएसडब्ल्यू का, टाटा स्टील, हिंडाल्को, एमएनडीसी ज्यादा मेटल की कंपनी और मिनरल की कंपनी है, स्टील्स में भी वर्क करती है इसलिए उनका भी नाम है, सेल और जिंदल स्टील। तो हमारा आज का फोकस रहेगा जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, सेल और जिंदल स्टील। तो आइए दोस्तों, अब हम इनके स्टॉक्स को एनालाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एनालाइज करना चाहूंगा सेल के स्टॉक को दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो सेल का स्टॉक है, यहाँ पे देखिए जो 80 रुपए का इसका रीजन है, यहाँ पे काफी देखिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि आप 80 रुपए जब ये क्रॉस हो जाए तो आप इसको खरीद लीजिए, और इसका जो आप स्टॉप लॉस लगाइएगा वो आप 75 रुपए के स्टॉप लॉस के संग इसको आराम से खरीद सकते हैं। जो हमारे टारगेट्स होने चाहिए दोस्तों, उसमें 90 और 100 रुपए तक के हम इसमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। जो एकमात्र चिंताजनक बात है दोस्तों कि इस स्टॉक का जो आप ये देख रहे हैं RSI वो काफी हाई है, वो सारे स्टील स्टॉक्स मिलेगा क्योंकि बहुत गजब की इसमें तेजी आई है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा क्योंकि RSI हाई है, तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि पॉजिटिव मोमेंटम इसमें कंटिन्यू रहे तभी हमें इसे खरीदना है। अगर दोस्तों मैं टाटा स्टील की बात करूं तो इसमें भी मैं देखूंगा कि ये भी अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के ही आसपास टहल रहा है, तो इसे हम अभी CMP पे खरीद सकते हैं। अगर आप थोड़ा वेट करना चाहे तो इसमें थोड़ा सा 1-2% और हाइक हो जाए तब खरीदिएगा, तब ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। तो आप इसको CMP पे खरीद के, मेरा मानना है आप 700 रुपए तक का यहाँ स्टॉप लॉस लगाइएगा, और अच्छे जो हम टारगेट इसमें आने वाले दिनों में 850-900 तक के टारगेट्स को हम एम कर सकते हैं। अगर आप सेफ साइड पे खेलना चाहते हैं दोस्तों, तो इसको मेरा मानना है जब यहाँ पे आपका ये पूरा ब्रेकआउट हो जाए 740 रुपए के ऊपर तब खरीदिएगा। RSI देखिए दोस्तों, इसकी भी काफी ऊपर है, ओवरबॉट जोन में ये भी आ गया है, तो ये एक थोड़ी सी चिंताजनक वाली बात है जिसको हमें अभी ध्यान में रख के चलना है, बट ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि RSI हाई है तो स्टॉक और भागेगा नहीं।
ऐसा बहुत बार देखा गया है कि आरएसआई एकदम हाई रहती है 80 के ऊपर, स्टॉक्स कई कई दिनों में तक उसी आरएसआई को मेंटेन भी करते हैं। अगर दोस्तों मैं जिंदल स्टील की बात करूं तो ये भी देखिए एक अपने ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस पे ही खड़ा है, तो यहां भी आप इसको खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, थोड़ा सा ये अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो अगर इसमें पॉजिटिव मोमेंटम मेंटेन रहे तो आप इसे जरूर खरीदिएगा। और इसमें हम जो टारगेट्स देख सकते हैं वो 350 तक के रुपए के टारगेट्स को हम इसमें एम कर सकते हैं। सारे ही दोस्तों अगर आप ये देखिए स्टील स्टॉक्स ने कैसी रिकवरी दिखाई है, ये देखिए 28 सितंबर को ये स्टॉक 160 रुपए का था और आज 290 रुपए का है, ऑलमोस्ट 2 times ग्रोथ। बाकी दोनों स्टॉक्स में भी ऐसा ही था जो हमने देखा। और हम देखेंगे कि हमारे JSW स्टील की क्या कंडीशन है, तो इसमें भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो नवंबर में ये स्टॉक्स आपका 25 सितंबर को 256 रुपए का था और अब 405 रुपए का है, और थोड़ा हम पहले चला जाएगा जुलाई में जाए तो 187 रुपए का है और अब 405 रुपए का है। तो ये देखिए गजब ही अप ट्रेंड बना हुआ है स्टील के स्टॉक्स में, ऐसा बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है स्टील के स्टॉक्स में, बट अभी बहुत ही अच्छा स्टील अप ट्रेंड चल रहा है इसका। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, तो अगर ये 410 के ऊपर आपको मिले तो आप फिर यहाँ पे इसे खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, और आने वाले दिनों में हम इसमें 450-460 तक के टारगेट्स को एम कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अभी जो हमने डिस्कशन किया है उसकी एक बार समरी कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था, हम टाटा स्टील को हमें 745 के ऊपर खरीदना चाहिए क्योंकि वहां पे ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। इसमें जो हम टारगेट एम कर सकते हैं वो 850 का, स्टॉप लॉस इसमें हमें 700 रुपए का रखना है। अगर मैं सेल की बात करूं तो इसको आप 80 के ऊपर जाने दीजिए तब खरीदिएगा, 90-100 रुपए के बीच के हम टारगेट ले इसके चल सकते हैं और स्टॉप लॉस 75 रुपए का। अगर मैं जिंदल स्टील की बात करूं तो क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर ट्रेल कर रहा है तो इसलिए हम इसको इस एमपी पे खरीद सकते हैं 340 की टारगेट के लिए, और हमें स्टॉप लॉस इसमें दोस्तों 287 रुपए का रखना चाहिए। JSW स्टील को हमें 410 या 415 के ऊपर खरीदना चाहिए, टारगेट हम इसमें 460-470 तक देख सकते हैं, उससे ऊपर भी जा सकता है बट ये मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है। अगर कंटिन्यू रैली इसी तरह कंटिन्यू रही तो स्टॉप लॉस हम इसमें 395 रुपए का रख सकते हैं। बाकी दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आपके टारगेट्स मीट होते जाए क्योंकि इतनी पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है तो आप ये मत मान के चलिएगा कि यही टारगेट इस स्टॉक का अपर एरिया है, तो आप वहां पे अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करिए और हो सकता है कि आपको और तेजी इसमें और देखने को मिले। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया टेलीग्राम ट्विटर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में वो रिस्क के अधीन होती है, तो इसीलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए। साथ ही दोस्तों हमारे वीडियोज किसी भी तरह से ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं होते हैं, ये हम केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाते हैं। मेरा और पर्सनल सजेशन है कि आप लोग स्टॉप लॉसेस को जरूर मेंटेन करिए। आपके मन में जो भी विचार हो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम उस पर रिप्लाई करें।